उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में तेंदुए के हमले में बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दें, बच्चे की मौत के बाद जमकर यहां पर बवाल भी हुआ। स्थानीय लोगों ने पुलिस और वन विभाग की टीम पर पथराव कर दिया। वहीं गंगा बेहड इलाके में पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम लगा दिया और इस दौरान गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है। पुलिस ने लाठीचार्ज करके प्रदर्शनकारियों को काबू में तो किया, लेकिन तेंदुओं को पकड़ने के लिए अब आपको ये भी बता दें कि वन विभाग की टीम को यहाँ पर बुलाया गया है। यूपी के आजमगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने दो जगहों पर जमकर छापेमारी की और 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण का ये पहला मामला कंधरापुरा थाना क्षेत्र में पाया गया, तो वहीं दूसरा महाराजगंज का ये पूरा बताया जा रहा है। कंधरापुरा इलाके में पुलिस ने घर के भीतर बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चों को जुटाकर तंत्र मंत्र के नाम पर ईसाई बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, ऐसी जानकारी दी है। हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते हुए ईसा मसीह का गुणगान करने के लिए यहां कहा जा रहा था। वहीं पुलिस की टीम ने केस दर्ज करके अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के भरतपुर में एक मजदूर की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मजदूर का शव एक ठेले पर रखकर लोग मकान मालिक के घर पहुंच गए। इस यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। मकान निर्माण के दौरान मजदूर की मौत पर स्थानीय लोग मकान के मालिक पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मजदूर की मौत के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है और कार्रवाई की बात कही है। मध्य प्रदेश के दमोह में रिहायशी इलाके के अंदर मगरमच्छ के आने से हड़कंप मच गया। बिलतरा इलाके में घर के सेप्टिक टैंक में एक मगरमच्छ देखा गया और जंगल से निकलकर ये मगरमच्छ गांव के भीतर आ गया। आनन फानन में लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, तो वहीं मगरमच्छ को रेस्क्यू करके वन विभाग की टीम ने नोरादेही सेंचुरी में छोड़ दिया है। मगरमच्छ की लंबाई 1 मीटर से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं 4 महीने के भीतर कई बार ऐसे इलाके में मगरमच्छ आ चुके हैं। News.